क्या आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति प्यार करता है तो उसकी मस्तिष्क में ऐसी कौन सी पदार्थ भर जाती है जिससे उसे प्रेम की ओर आकर्षित करता है? और क्या आपको पता है कि समय प्यार को काफी प्रभावित करता है? ऐसा कहा गया ना कि वक्त वक्त की बात है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में प्रेम से जुड़े रोचक तथ्य को जानोगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 5, जो लोग कहते हैं कि कभी भी रोमांटिक प्रेम महसूस नहीं किया है, वे हाइपोपिट्यूटरीज्म से पीड़ित है। यह एक दुर्लभ बीमारी है जो किसी व्यक्ति को प्यार के उत्साह को महसूस करने की अनुमति नहीं देती। फैक्ट नंबर 4, सगाई के अंगूठी अक्सर बाएं हाथ की चौथी उंगली पर पहने जाते हैं, क्योंकि उस उंगली में बेना एमोरिस या प्रेम की नस है जो सीधे दिल तक जुड़ी होती है। फैक्ट नंबर 3, गुलाब प्यार का एक पारंपरिक प्रतीक है और उनके रंग के आधार पर प्यार की विभिन्न बारीकियों का सुझाव दे सकता है। आप इसे समझिए, लाल गुलाब जो जुनून और सच्चे प्यार का संकेत देता है, हल्का गुलाबी जो इच्छा, जुनून और ऊर्जा का सुझाव देता है, गहरा गुलाबी जो आभार व्यक्त करता है, पीले गुलाब का मतलब दोस्ती या ईर्ष्या हो सकता है, एक लेवेंडर या कांटेदार गुलाब का मतलब पहली नजर में प्यार हो सकता है, और सफेद गुलाब का अर्थ पुण्य या भक्ति। फैक्ट नंबर 2, जब कोई व्यक्ति प्यार में पड़ता है तो उसकी मस्तिष्क में उदर संबंधी टेक्टिलेल क्षेत्र डोपामाइन के साथ उच्छल नाभिक को भर देता है, फिर कॉर्डेट अधिक डोपामाइन के लिए संकेत देता है, और जब वह कोकिन लेता है तो वही प्रणाली सक्रिय हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, मान लो अगर किसी व्यक्ति इस वक्त खुश है तो उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती सिवाय खुशी के, लेकिन बाय मिस्टेक उस व्यक्ति के साथ अनहोनी हो जाए, घर छोड़ने की लालसा आए, किसी अन्य स्थान को स्थापित करे, या आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को साझा करने या परिवार शुरू करने के लिए तैयार हो जाए, तो उस व्यक्ति को प्यार में पड़ने की संभावना अधिक होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का ताज़ा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।